तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और पबजी गेम प्ले में। तो गाइस, आगे की तरह ये भी आपको गेम प्ले बहुत अच्छी लगेगी। इसमें बहुत अच्छे अच्छे का डिनर किया हुआ है। तो स्टार्टिंग में हम यहाँ पे मेरा टीममेट ले आता है यहाँ पे, और सीधा मॉल बेसिन पे आते हैं। तो यहाँ पे बहुत बंदे उतरते हैं, तो सीधा उनकी पेटी बनाएंगे, देखना कैसे। और यहाँ पे मैं भी नोक होऊंगा एक बारी, पर मेरा टीममेट मुझको रिवाइव देगा। तो उसके बाद उनकी पेटी देखो कैसे बनाएंगे, सबकी पेटी बनाएंगे, किसी को यहाँ पे जाने नहीं देंगे। सभी की बारी आएगी यहाँ से। तो यहाँ पे एक बंदा फर्स्ट स्टेप आते हैं मुझे, तो मेरे पास यूजी होती है, तो इसको पहले मैं मारता हूँ। वो जो ऊपर चला जाता है, तो मैं उसके पीछे ऊपर जाता हूँ, तो ये ऊपर ही नहीं होता, पता नहीं कहाँ चला जाता है इतनी देर में। देखो भाई, सिर्फ 2 सेकंड में पता नहीं कहाँ चला जाता है। इसको मैं इधर उधर ढूंढता हूँ पूरा, फिर मैं आगे की तरफ भी देखता हूँ, काश आगे की तरफ मिल जाए, पर वो आगे भी नहीं होता। पता नहीं इतनी जल्दी कहाँ चला गया था, पता नहीं टीपी पी लेके कहाँ पे बैठ गया था। तो फिर यहाँ पे बंदा मुझे नहीं मिलता, तो नीचे उतरता हूँ। नीचे बंदे बंदे होंगे, तो आपको बहुत मजा आएगा, बहुत अच्छी अच्छी किल देखेंगे, और साथ में चिकन चिकन डिनर भी होगा। तो यहाँ पे मेरा एक टीममेट नॉक हो जाता है, वो मुझे बंदे देखते हैं यहाँ पे, तो इसको पहले नॉक करता हूँ। तो इसका टीममेट मुझे पीछे से, देखो गाइस, पीछे थर्ड पार्टी कर देता है और मुझे नॉक कर देता है। तब तो उसकी बारी आएगी पेटी बनाने की। पर मेरा टीममेट उसको नॉक कर देगा, और फिर मैं अपने टीममेट को रिवाइव बोलूँगा, मुझको रिवाइव दे, तो मेरी हेल्थ देखना कितनी बचेगी। 1 HP हेल्थ बचेगी, तो मैं रिवाइव हो जाऊँगा। तो बाद में इन सभी की पेटी देखो कैसे बनेगी। तो देखो गाइस, अभी भी मेरा दूसरा टीममेट, हम 2 टीममेट नॉक है। मेरी हेल्थ देखो, तो मैं अपने टीममेट को बोलता हूँ पहले मेरी मेरे पे मेट को रिवाइव दे। तो आप देख ही सकते हो गाइस, मेरी हेल्थ देखो सिर्फ 1 HP, 0 HP जो होता है ना, वो चीज़ है। तो पहले मैं ऊपर जाता हूँ, हेल्थ लगाता हूँ पूरी, और फिर बंदों को देखो कैसे पेटी बनाएंगे। तो यहाँ पे मेरी हेल्थ पूरी फुल हो चुकी है, लड़ने के लिए वो हो चुकी है। तो सामने वाले घर में एक बंदा दिखेगा, तो मैं पहले अपने टीममेट को अपनी तरफ बुलाता हूँ कि यहाँ पे पता नहीं बंदे कहाँ कहाँ पे हैं। तो सभी एक जगह हो पहले, क्योंकि यहाँ पर स्कोर का मैच लगा हुआ है। अगर एक बंदे ने भी पीछे थर्ड पार्टी कर दी, तो सभी की पेटी बनेगी। तो सभी टीममेट को मैं अपने यहाँ पे बुलाता हूँ, तो एक बंदे की मेरी पहले से पेटी बन जाती है। तो सामने एक बंदा दिखेगा और मेरा टीममेट उसको नॉक कर देगा। तो फिर मैं अपने टीममेट को बोलता हूँ, चलो अब बहुत हो गया, टीपी पी लेते लेते चलो अब सीधा इन पर रश करते हैं, अब अपनी बारी है। तो पहले थोड़ा सा सामान लूट लें, क्योंकि गाइस सामान भी जरूरी है, क्योंकि कुछ नहीं था पास। तो यहाँ पे मुझे बंदे ही बंदे दिखेंगे, हम जोन के अंदर भी लड़ेंगे, जोन में भी फाइट होगी। ये देखो पहले इसकी बेटी बनाते हैं, और भी इसके टीममेट होंगे। तो पहले यहाँ पे मुझे ऐसा लगा था, पता नहीं घर के छोटे घर के अंदर टीपी पे ना लेके बैठा हो इसका बंदा, पर यहाँ पे कोई नहीं होता। तो फिर सीधा आगे चलते हैं, और यहाँ पे बंदे बंदे मिलेंगे, सबकी बेटी बनेगी यहाँ पे। वो
पहले थोड़ी सी हेल्थ पूरी करते हैं। तो यहाँ पे मुझे आगे की तरफ एक बंदा दिख जाता है, वो इसकी पेटी देखना कैसे बनेगी। इसके पास लूट बहुत अच्छी होती है गाइस, और मैं ऑमलेट लाइव स्ट्रीम में करता हूँ। अगर किसी किसी ने मेरे साथ खेलना हो तो वो मेरे साथ खेल सकता है। इसके बाद थोड़ा थोड़ा टाइम हो रहा है, फिर मैं यूट्यूब पे लाइव करूँगा और सब सभी बंदे मेरे साथ खेल सकते हैं। तो आपने भी अगर खेलना है तो मुझको लाइक एंड मुझको सब्सक्राइब कर लो, और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि जब मैं लाइव हूँ तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो यहाँ पे मेरे टीम मेट ने नॉक किया था, पर मुझे लगा कि मैंने नॉक कर दिया इसको, तो यहाँ पे इसकी पेटी बनेगी। सीधा इसकी पेटी बनी, तो यहाँ पे और भी बंदे होंगे, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ रहे थे, सबकी पेटी बनेगी यहाँ पे। ये गाइस मैं नोक करने वाला था, इतना मेरी गोली लोड हो गई, वो मेरे टीममेट ने नोक कर दिया। पर पेटी आपके भाई ने नहीं, वो सर्कल देखो शुरू हो चुका है, पर बंदे आगे भी लड़ रहे हैं, तो फिर उन पे चलते हैं, उनकी पेटी बनाएंगे क्योंकि किसी को नहीं छोड़ना। तो पहले इसकी पेटी बनाते हैं, फिर दूसरा बंदा देखेगा मुझको, फिर दूसरे की पेटी बनाएंगे, क्योंकि अगर पेटी बनेगी तो केटी बढ़ेगी, अगर केटी बढ़ेगी तो बहुत अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे अब गोली चलने की, यहाँ पे अंदर तो रेड जोन के अंदर तो खत्म हो गए थे बंदे, तो अभी रेड जोन के बाहर थे, तो अब उनकी बारी थी। पर इतने मेरे टीम ने उसको नॉक कर दिया, उसकी पेटी बना दी। तो इसको थोड़ा सा लूट लाट के फिर आगे की तरफ चलेंगे, और आगे भी आपको बहुत अच्छी गेम प्ले दिखेगी। पहले यहाँ से थोड़ा सा सामान लूट लें। तो गाइस अगर मेरी ये 1 HP हेल्थ अगर मेरा टीममेट हाथ ना लगाता तो मैं ये गेम प्ले में आपके आपको नहीं दिखा सकता था, क्योंकि सीधा मेरी पेटियाँ बननी थी। और यहाँ पे देखो अभी भी बंदे, कितने बंदे उतरे थे, अभी भी पता नहीं कहाँ कहाँ से बंदे आ रहे हैं। और इसके साथ ही एक और साथी आ जाएगा इसका, इतना मैं हेल्थ लगाता हूँ, पर हेल्थ छोड़ के फिर उसकी पेटी बनाता हूँ। देखो गाइस अगर आप किसी किसी एनिमी से फेस टू फेस फाइट ले रहे हो तो उसके हेड पे रखना, जो क्रॉस एरो होता है, क्योंकि उसकी पेटी जल्दी बनती है। तो इसको यहाँ पे मुझे यहाँ इसकी स्कार मिल चुकी थी, तो स्कार उठाता हूँ इसकी, और फिर आगे की तरफ चलते हैं। पहले यहाँ से थोड़ी सी बैंडेड वगैरह लगा लें, क्योंकि यहाँ पे कोई पता नहीं होता बंदे पहले इतने उतरे हुए हैं, अगर किसी ने TPP लेके बैठी हो तो सीधा वो पेटियाँ बनाएगा। यहाँ पे पेटी देखो भाई कितनी पेटियाँ बन चुकी हैं। तो यहाँ पे मैं इस ये जो मैंने बंदा मारा था इसके अंदर AKM पड़ी थी, तो मुझे AKM चाहिए थी क्योंकि AKM का मिशन था, इसलिए मैं AKM उठा के उठाने चला गया इसकी।
तो मेरे टीममेट आगे की तरफ चले गए थे, और जहाँ पे मेरा आगे टीममेट एक टीममेट नॉक हो जाता है, वो फिर मैं अपने टीममेट को बोलता हूँ तो उसको रिवाइव दे, ये बंदों को मैं देखता हूँ तो इनको मैं भी सप्ले देता हूँ। और मुझको देखो गाइस, पहले मैंने स्प्रे दी हल्की सी, पर इतने मेरे टीममेट की देखो कैसे नॉक करेगा वो बंदा। ये बंदे पता नहीं कहाँ से आ रहे थे, इनकी भी पेटी बनेगी, किसी को छोड़ेंगे नहीं, किसी को सर्कल के अंदर नहीं आने देंगे, सबकी पेटी बनेगी। तो यहाँ पे मेरा एक टीममेट नॉक हो चुका था, तो मैं अपने टीममेट को बोल रहा था तो उसको रिवाइव दे, इनको मैं देखता हूँ, इनको सर्कल के अंदर नहीं जाने देंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं रोटेट ले रहा था, क्योंकि गाइस उनको मेरी लोकेशन पता चल गई थी कि मैं कहाँ पे हूँ, तो पहले थोड़ा सा रोटेट ले लेते हैं। पर इतने में मेरा टीम मेट उसकी पेटी बना देता है, वो गाड़ी लेने आ रहा था तो उसको बीच रास्ते में उठा दिया उसने। तो फिर मैं अपने टीम मेट को बोलता हूँ कि मैं गाड़ी लेके आ रहा हूँ, तो चलो सीधा सर्कल में चलते हैं, क्योंकि हम तीन बंदे थे और वो दो बंदे बचे थे, तीन वर्सेस दो हो चुका था। तो गाइस यहाँ पे मेरे दो बंदे नॉक हो जाएंगे, और पीछे मैं अकेला बचूंगा, फिर वन वर्सेस फाइव रह जाएगी। पर मैं थोड़ा सा दिमाग चलाता हूँ, और अपने जो टीममेट नॉक हुआ, एक टीममेट की तो पेटी बन चुकी थी और दूसरा टीममेट अभी नॉक था, तो फिर उसको रिवाइव देता हूँ, फिर टू वर्सेस वन हो जाता है। तो फिर उसका बोलता हूँ चल सीधा अब उस फ्रेश करें, तो सीधा उसकी पेटी देखो कैसे बनेगी, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये देखो यही घर में बंदे होंगे, पर पता नहीं चल रहा था कहाँ पे हैं। तो यहाँ पे मैं गाड़ी थोड़ी सी कवर में लगाता हूँ और ड्रॉप रूट में चला जाता हूँ, क्योंकि गाइस लेवल 3 की वेस्ट चाहिए थी, मैं वेस्ट नहीं थी। तो मेरा टीममेट ऐसे बिना पूछे ऐसे ऊपर चला जाता है, और उसके ऊपर उसको नीचे नहीं आते आने देते, वो सीधा उसकी पेटी बना देते हैं। और एक बंदा मेरा नॉक हो जाता है, दोनों बंदे नॉक हो जाते हैं, एक की पेटी बन जाती है, दूसरा नीचे आ जाता है मेरा टीममेट, तो उसको मैं रिवाइव दे देता हूँ। हम देखो गाइस अब टू वर्सेस वन होगा, तो पहले यहाँ पे मैं थोड़ी सी स्मोक छोड़ता हूँ, तो अपने टीममेट को बुलाता हूँ पास कि मेरे पास आ। तो यहाँ पे दो स्मोक छोड़ता हूँ, पर वो बंदा पता नहीं क्या कर रहा था, पता नहीं क्या खेल रहा था। अगर वो नीचे आके सीधा रश करता हम पे, तो हमारी पेटी बननी थी और उसको जेकर डजन मिल जाना था, पर उसने पता नहीं ऐसे क्यों नहीं किया, तो आराम से ऐसे बैठा होगा जैसे पता नहीं क्या होगा, कि हमारा इंतजार कर रहा होगा कि कब आएंगे और कब मेरी पेटी बनाएंगे। तो यहाँ थोड़ी सी टिप भी लेता हूँ कि नीचे आएगा, पर वो नीचे नहीं आता। फिर मैं अपने टीममेट को बोलता हूँ कि चलो बस बहुत हो गया, सीधा इस पर रश करते हैं। तो पहले यहाँ पे थोड़ा सा एक नेट फेंकेंगे, पर नेट ग्लिच हो जाता है और सीधा बाहर आ जाता है, पर हल्की से उसको पड़ेगी, ये देखो गाइस हल्की से उसको डैमेज हुआ। तो मैं टीममेट को बोलता हूँ चलो बस बहुत हो चुका है, तो सीधा अब ऊपर चलते हैं, पेटी बनाते हैं उसकी। ये देखो कैसे आराम से बैठा हुआ था, पता नहीं क्या कर रहा था बैठ के। तो गाइस आपको अगर पता लगे कि क्या कर रहा था बैठ के, कि ये सोच रहा था कि कब आएंगे पेटी बनाएंगे और टिकट डिनर ले जाएंगे, तो मुझे आप कमेंट करके बताना कि वो ऐसा क्यों कर रहा, क्यों सोच रहा था। अगर वो रश करता तो सीधा हमारे उसको टिकट डिनर मिलना था। तो अगर गाइस गेम प्ले अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि बहुत ही जल्दी मैं YouTube पे लाइव होने वाला हूँ और आप सभी के साथ खेलूँगा। एनीबडी कैन ज्वाइन, कोई भी मेरे साथ ज्वाइन हो सकता है। तो यहाँ पे थोड़ी सी मन फैला लेते हैं, गाड़ी को आग लगा लेते हैं,
और ये देखो गाइस, अगर आप मुझे ड्रेस सभी से अलग मिली है, अगर ड्रेस अच्छी लगी हो मेरी तो वो भी इसलिए सब्सक्राइब ठोक देना। जो लाल रंग का बटन है उसको बिल्कुल आसमान के रंग जैसा कर देना, बिल्कुल नीले जैसा कर देना। तो सीधा दूसरे मैच पे चलते हैं। तो मुझे भी बहुत अच्छा गेम प्ले लगेगा गाइस आपको। तो यहाँ मैं मेरा टीममेट मोम को ओल्ड बेस में भी ले जाता है, तो ओल्ड बेस में भी बहुत अच्छी जगह है और यहाँ पे किल भी मिलते हैं और लूट भी मिल जाती है। पर यहाँ पे गाइस मुझे कोई गन नहीं मिलती, और जो मिलती है वो क्या होती है, यूजी। पता नहीं यूजी से अब वो लोग क्या करेंगे, वो भी क्लोज रेंज की अच्छी है पर दूर रेंज की कोई अच्छी नहीं है गन। पर इसी से काम चलाना पड़ेगा क्योंकि और कोई गन मिल भी नहीं रही थी। देखो इस मेरे टीममेट बंदा नोक कर रहा है, पेटी बना रहा है, पर अभी तक मुझे कोई गन नहीं मिली। तो पूरा घर छान मारा। तो यहाँ तो यूजी मिलती है और यहाँ पे उसको स्प्रे देंगे यूजी से दो बंदों को। पर आपको तो पता है कि यूजी का इतना दूर का स्प्रे इतना अच्छा नहीं है, तो ऐसे ही उन पर रश करना पड़ेगा क्योंकि अगर किल चाहिए तो रश करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मुझे एक बंदा मिल जा दिखता है, पर उसको मैं देखता हूँ, सोचता हूँ कि अगर वो बाहर निकला तो उसकी पेटी बनाऊंगा। पर जो जी गोली पता नहीं लगती कब खत्म होगी, उसको पड़ती हुई है पर वो नॉक नहीं होता। तो इतने में मेरा टीममेट वहाँ पे पहुँच जाता है और वो उसकी पेटी बना देता है। तो यहाँ से एक और मुझे दूसरा बंदा भी दिखेगा। देखो पता नहीं क्या कर रहा था अंदर बैठ के। तो मैं नीचे जाने की सोचता हूँ पर मैं फिर भी रुकता हूँ क्योंकि मुझे दूसरा बंदा दिख चुका था। तो कोई मैं सोचता हूँ कोई बात नहीं, इस मेरे टीममेट ने एक किल चला ली मेरी, तो दूसरी है उसके पास। तो फिर मैं ट्राई करता हूँ, काश कि इससे भी नॉक हो जाए बंदा। पर गाइस देखो मैं उसको दो बार स्प्रे दूंगा, एक बार ये स्प्रे दिया और दूसरी बार वो पेड़ के पीछे चुरा के छुप जाएगा, तो वहाँ पे भी उसको स्प्रे दूंगा। पर फिर बस हो जाती है, सीधा फिर ब्रश करने की बारी आती है। देखो गाइस स्प्रे दिया फिर भी नॉक नहीं हुआ, तो बहुत हो चुका। हम जिसकी पेटी बनाएंगे सीधा रश गेम प्ले खेलेंगे, और यहाँ पे भी हम सीधा रश गेम प्ले खेलेंगे। तो गाड़ी उठाएंगे और सीधा ट्रक के पास जाएंगे क्योंकि ट्रक के पास ट्रक की बंदूकें होंगी और वहाँ पे एनिमी भी होंगे। तो यहाँ पे मुझे स्कार मिल जाती है पर तो मुझे गोली नहीं मिलती। तो मैं घर को ढूंढता हूँ, काश मिल जाए पर नहीं मिलती, तो ऐसे ही जाना पड़ता है। तो आगे एक एनिमी दिखेगा, उसकी पेटी बनाएंगे और उसके उसका सामान लूटेंगे। देखो गाइस अगर कोई भी, अगर आपके स्टार्टिंग में का मैच है, अगर कोई भी एमओ मिलती है 7 की या 5.5 की, तो उसको रख लिया करो क्योंकि आगे पता नहीं किसकी जरूरत पड़ जाती है। तो यहाँ पे मुझे AKM मिल चुकी थी, AKM का मेरा मिशन था। तो AKM के मिशन के साथ चलते हैं आगे की तरफ, और यहाँ पे गाड़ी उठाऊंगा और अपने टीममेट को बैठाऊंगा तो सीधा फुली रश गेम प्ले, सीधा ड्रॉप के पास। और ड्रॉप पे एक बंदा भी मिलेगा उनको, पर वो मेरा टीममेट मार देगा। तो आपको बहुत अच्छी गेम प्ले, ये भी बहुत अच्छी गेम प्ले लगेगी गाइस, तो वीडियो को पूरा देखना। और एक मेरे टीममेट को इतनी लूट मिली थी, फिर भी पता नहीं क्या कर रहे थे। इनको और लूट चाहिए, तो इनको मैं बोलता हूँ कि अगर लूट चाहिए तो एनिमी को, अगर एक दो एनिमी, दो एनिमी को भी मार दोगे तो फिर भी बहुत अच्छी लूट हो जाएगी आपके पास। पर पता नहीं क्यों नहीं मानते, इनको लूटना ही लूटना है। तो यहाँ पर मैं इतने हॉर्न बजाता हूँ, लाइट्स को कहता हूँ, तभी जाके ये निकलते हैं।
चारों टीममेट को लेके मैं सीधा ड्रॉप के पास जाता हूँ, क्योंकि गाइस अभी किल नहीं मिले थे, किल चाहिए मुझे। तो किल ड्रॉप के पास ही मिलेगी, तो होता भी ऐसा ही है, ड्रॉप के पास किल भी मिलती है अपनी, पेटी भी बनाएंगे और केटी भी बढ़ाएंगे। तो वैसे मैं यहाँ पे आकर रुक जाता हूँ, पर मैं ऐसे नहीं करता क्योंकि एक भी किल नहीं मिली थी। तो आपके लिए किल लेके आना था, वो सीधा टॉप के पास चल जाने जाना था और बंदों की पेटी बनानी थी। वो यहाँ पे सभी अलग अलग स्कोर होगी, तो उनकी पेटी बनाएंगे सीधे ही, चुन चुन के मारेंगे सभी को। तो यहाँ पे सीधा हम ड्रॉप के पास आते हैं और यहाँ पे मैं ड्रॉप लूटता हूँ, पर इतने में मेरे टीममेट को पता नहीं कहाँ से एनमी दिख जाता है, तो वो सीधा एनमी को मार देता है। मैं तो ऐसे गाड़ी लेने जा रहा था कि चलो ये यहाँ से चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे बंदे नहीं आएंगे, पर पता नहीं मेरे टीममेट को कहाँ से बंदा मिल जाता है। और यहाँ पे मुझे लगता था कि बंदे आएंगे, पर यहाँ पे और कोई बंदा नहीं आया। तो मैं अपने टीममेट को यहाँ पे गाड़ी के अंदर बैठाऊंगा और फिर इनको बोलूँगा कि चलो फुल रश गेम प्ले है, बंदों को ढूंढ ढूंढ के मारेंगे, चुन चुन के मारेंगे। और यहाँ पे आगे फायरिंग चल रही थी, आपस में बंदे आपस में पेटियाँ बना रहे थे सबकी। तो मैं अपने टीममेट को बोलता हूँ कि यहीं पे रुकते हैं, और यहाँ पे मैं गाड़ी रोकता हूँ और एक किल निकालता हूँ। देखो मेरे पास खास की अभी भी गोली नहीं है गाइस। तो जैसे ही मैं पेटी बना रहा होता हूँ, तो वो दूसरा बंदा मेरी किल चला लेता है, तब उसकी बारी आती है, तो उसको पहले पेटी बनाते हैं उसकी। तो एक पीछे से फायरिंग आ जाती है, तो फिर उसकी पेटी बनाते हैं। एक एम गाइस क्लोज रेंज में बहुत अच्छी है, और अगर इसके ऊपर कुछ ना लगाओ, कोई स्कोप ना लगाओ, तो बहुत खतरनाक गन हो जाती है। तो गाइस पूरे मैच में अब जाके मुझे स्कारल की एमओ मिलती है, तो इसको मैं पहले लोड करता हूँ। तो यहाँ पर बंदे देखता हूँ कि और कोई बंदा मिले, पर और कोई कहाँ से फायरिंग नहीं आती। तो फिर मैं अपने टीममेट को बोलता हूँ कि यहाँ पे सिर्फ एक यही बंदे थे, जो तीन चार बंदे थे यही थे। तो अपने टीममेट को फिर गाड़ी में बैठाता हूँ और बोलता हूँ कि चलो यहाँ से फिर चलें आगे की तरफ, फुल रश गेम प्ले खेलेंगे। तो गाइस आगे फिर मैं सीधा ड्रॉप पे लेता हूँ, क्योंकि अगर किल चाहिए तो ड्रॉप पे जाना पड़ेगा, क्योंकि ड्रॉप की गने सब कुछ सभी को चाहिए होती है, और वहाँ पे लेवल 3 की वेस्ट होती है, वो सबको चाहिए होती है। तो सीधा फिर मैं ड्रॉप पे पूरी गाड़ी रोटेट कर लेता हूँ और ड्रॉप पे चलते हैं फिर। तो यहीं पे गाइस बंदे मिलेंगे हमको, और ये सर्कल भी यहीं पे आके बन जाएगा। तो मेरा टीममेट एक टीममेट ओम उठा देता है, और वो ओम के साथ हेडशॉट बहुत अच्छे देता है, पर पता नहीं मुझे ओम क्यों नहीं मिलती। मैं भी ड्रॉप लूटता हूँ, जब मिलती है तो कोई बंदा नहीं मिलता। तो यहाँ पे मैं गाड़ी उठाता हूँ, गाड़ी रोकता हूँ, पर गाड़ी वहाँ पे और खड़ी ही थी, तो इसलिए ये काली गाड़ी को मैं आग लगा देता हूँ। देखो गाइस पता नहीं क्या हो रहा था मुझको, एमओ मेरे से पहले नहीं थी, और फिर भी मैं पता नहीं क्यों ऐसी गोली वेस्ट कर रहा था, पर मुझे यहाँ पे भी कोई एमओ नहीं मिली। 4 का स्कोप मिल गया, बैंडेड मिल गया, पर एमओ नहीं। तो फिर नीचे जाते हैं आगे की तरफ, और यहाँ पे आगे बंदे होंगे, तो उनकी पेटी लूटेंगे और एमओ ही एमओ हो जाएगी। तो यहाँ पे मेरे टीममेट ने ओम उठा ली थी। तो यहाँ पे एक टीममेट मेरा नो कर देता है एनिमी को, तो मेरी बारी होती है उसका सामान लूटने के लिए, क्योंकि तो मेरे पास कोई सामान नहीं था। मेरा टीममेट हो रहा था पेटी मैंने बनाई,
उस्मान तो लूट रहा है, पर मुझे यहाँ पे एक एम की अच्छी लूट मिल चुकी थी। अभी भी गाइस देखो 12 बंदे हैं, 4 हम और 2 स्क्वाड और बची हुई है, पर वो 2 स्क्वाड आपस में लड़के मर जाएगी, पर फिर मेरी बारी आएगी और हमारी फाइट होगी, तो साथ में चिकन डिनर भी होगा। तो यहाँ पे मैं अपने टीममेट को 8 कस्को मेरे पास होते हैं तो उसको वो देता हूँ, 4 कस्को देता हूँ क्योंकि उसके पास होम थी। तो फिर मैं टीममेट को बोलता हूँ चलो यहाँ से चले, पर यहाँ पे आगे बंदे होते हैं तो फिर यहीं पे गाड़ी रुका रोकते हैं और सीधा फिर उन पे ठोकेंगे उन पे। सबकी पेटी बनेगी, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। और एक मेरा टीममेट देखो कहाँ पे चढ़ा हुआ था, पर उसके पास फोन थी देखो गाइस, कार 98 से कैसे खतरनाक शॉट दे रहा था ऊपर से। तो यहाँ पे एक टीममेट बनता है और सीधा उसकी पेटी बनाती हूँ। और यहाँ पे मैं अपने टीममेट को बोलता हूँ कि चलो यहाँ से चले, तो पता नहीं मेरा टीममेट क्या पक कर रहा होता है क्योंकि उसके पास कार नहीं खड़ा, उसको अच्छा व्यू भी मिल रहा था वहाँ से बंदों को नॉक करने के लिए, तो वो वहीं रुक जाता है। तो फिर मैं फिर आगे की तरफ चलता हूँ इसको छोड़ के, पर इतने में वो आ जाता है और एक मेरा टीममेट आ गया है, तो उसको गाड़ी में जैसे ही बैठाऊंगा ऐसी गोली चलनी चलने पड़ेगी, चल पड़ेगी कहीं से, तो गाड़ी फिर यहीं पे छोड़नी पड़ेगी और यहीं पे उनकी सभी की पेटी बनाएंगे। देखो भाई अभी मेरी हेल्थ कितनी है, और ये मुझे गोली पड़ी तो हेल्थ देखो, हेल्थ की बहुत बैंड बज जाती है हेल्थ की एक साथ ही। तो यहाँ पे मुझे बंदे लेट हुए मिल जाते हैं, एक मेरा टीममेट और एक बंदे उस बंदे को नॉक कर देता है। तो फिर मेरी बारी आती है, तो मैं दूसरे बंदे को मारता हूँ, पर गोली उसको किसी और पे पड़नी शुरू हो जाती है, तो फिर उसको टप टप करके नॉक करना पड़ता है। तो पहले एक बंदे की पेटी बनाई M416 से। तो यहाँ पे गाइस जैसे ही आपको बोलता हूँ कि अगर स्कोर का मैच है तो एक साथ रो, तो जैसे देख आप देख ही सकते हो कि मेरा 3 नंबर की पेटी बन चुकी है, क्योंकि अलग जाने का यही थोड़ा सा गलत होता है। तो यहाँ पे मुझे बंदे दिख चुके थे, तो यहाँ पे टप 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 करके मारता हूँ, पर इतने मेरा टीममेट मार देता उसको। तो यहाँ पे मुझे बंदे मिलते हैं, मैं पेड़ के पीछे कवर लेता हूँ, पर यहाँ पे मेरा टीममेट पता नहीं मेरे टीममेट क्यों मेरे पे नेट फेंक देता है और मैं उसके नेट से नॉक हो जाता हूँ। पता नहीं वो आगे की तरफ फेंक रहा था, पता नहीं कहाँ पे फेंक रहा था, पर नॉक मैं हो जाता हूँ। तो फिर उसको बोलता हूँ कि मुझको रिवाइव दे। अब देखो भाई तो ये देखो, ये मैं नॉक हो चुका हूँ, तो अपने फिर टीममेट को बोलता हूँ मुझको रिवाइव दे, क्योंकि उनकी पूरी स्क्वाड पड़ी है अभी और हमारे 3 बंदे हैं, वो भी एक मैं नॉक हो चुका हूँ। तो मेरा टीममेट यहाँ पे मुझे रिवाइव तो दे देता है और मैं जैसी बैंडेड लगाता हूँ, तो पता नहीं गाइस मुझे मेरे को क्या होता है, हाथ कहीं कहीं लगाना होता है तो कहीं और लग जाता है। यहाँ पे तो मुझे जंप पड़ जाती है और सीधा मैं नोक हो जाता हूँ यहीं पे, अगर वो बैंडेड लग जाती तो मैं नोक ना होता। तो फिर मैं अपने टीममेट को बोलता हूँ तुम आगे जाओ, क्योंकि यहाँ पे मेरी पेटी बनेगी। अब एक बंदा बचा, अब उनका वो आपस में लड़ लड़ के मर चुके हैं, आपस में उनकी पेटी बन चुकी है, पर जितने मैं पहुँचूंगा इतने मेरा टीममेट ही
उस बंदे की पेटी बना देगा। तो यहाँ पे मेरा चिकन डिनर हो चुका है गाइस, ये देखो रेड जोन के अंदर चिकन डिनर। तो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि अगली वीडियो मैं आपके लिए लेके आऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो यहाँ पे एक ड्रॉप पड़ा होता है वो जो किसी ने लूटा होता है और मैं इसको लूटता हूँ, और इसके अंदर से आरपीजी होती है। तो आरपीजी से अपने टीमर को देखो कैसे करेंगे। तो यहाँ पे देखो किली सूट भी मिल जाता है। तो पहला ये पड़ा है इसको धड़ से और फिर दूसरे पे पड़ेगी। तो अगली वीडियो के लिए गुड बाय गाइस, फिर मिलेंगे।